बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी सर्विसेज से अदनान सदीकी। मैं आपको DHL पिशावर, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से हम आपको हर DHA के बारे में, प्राइसेस, डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग अपडेट देते रहते हैं। एक हमने डिस्कशन प्लेटफॉर्म अपना शुरू किया है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने डिस्कशन की है कि जिस क्लाइंट के पास करोड़ रुपए है और वो लाहौर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या 2 करोड़ रुपए है और वो लाहौर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लाहौर DHA में, क्योंकि हमारे कुछ ओवरसीज क्लाइंट या एंड यूजर कुछ ऐसे हैं जिनका बजट कम है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं DHA लाहौर में, तो करोड़ के बजट में और 2 करोड़ के बजट में वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनकी उनको घर कहाँ पे उन्हें बनाना चाहिए। इसके लिए मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, काशिफ इम्तियाज हैं, अली इमरान साहब हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और अगर हम तीनों का एक्सपीरियंस हम काउंट करें तो कम से कम 50 साल तो बन जाते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश की है और उस कोशिश को लेके हम आपके साथ चल रहे हैं, और इस वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि हमें मज़ीद इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं या इसमें क्या कमी है, चलें डिस्कस करते हैं। अगर करोड़ रुपए मेरे पास हो, मेरा जाती हो और मैंने इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो मेरे लिए IVY ग्रीन नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है फेज 8 का वाई ब्लॉक जो 5 परदे की कटिंग जो रिंग रोड नहीं। IVY में कहां कितने मरले का देते? देखिए यहां पे मैं करोड़ रुपए में अच्छा प्लॉट लूंगा 5 मरले का। अच्छा, 5 मरले में। ये करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ 5 परदे में, आप कहीं पे भी चले जाए मेरे लिए IVY ग्रीन बेस्ट है। ठीक है, इसमें सिर्फ 5-6 ब्लॉक है, छोटे छोटे ब्लॉक है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है। यहाँ पे मैं 5 परदे का प्लॉट अगर मैं बाय करूंगा, मेरी कोशिश होगी मैं फौरन उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दूं। ठीक है, और अभी ये लॉन्च हुआ है कुछ अर्सा पहले, मेरा ख्याल है 2014-15 की ये बात है कि लॉन्च हुआ, फाइल थी, उसके बाद DHA ने डेवेलप किया और इसको डिलीवर कर दिया, 3 ब्लॉक्स को डिलीवर किया और इसके बाकी ब्लॉक्स अभी डिलीवर होने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए 2 ऑप्शन है, या तो मैं पोजेशन वाले प्लॉट में चला जाऊं या नॉन पोजेशन प्लॉट में चला जाऊं। उसमें आप थोड़ा सा ये भी रीजन डिफाइन करें ना कि पोजेशन में, दैट इज ऑब्वियस कि जब पोजेशन आता है तो काफी ज्यादा एक चीज को गेन कर चुका होता है, तो आप अपने ओपिनियन में हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें ज्यादा प्रेफरेंस नॉन पोजेशन में देनी है पोजेशन में? देखिए काशिफ, अगर मैंने सिर्फ प्रॉफिट गेन करना फिर नॉन पोजेशन में जाऊंगा। नॉन पोजेशन और पोजेशन में कितना रेट है? तकरीबन को 15 से 20 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है, आ जाता है बिल्कुल। ओके, जब भी नॉन पोजेशन है या पोजेशन आएगा तो ये गेन है, ये गेन। ठीक है, नंबर 1 तो मेरे लिए IVY ग्रीन हो गया। उसके बाद नंबर 2 में अगर बात कर रहा हूँ फेज 8 वाई ब्लॉक की, वाई ब्लॉक में अभी मुझे 5 परदे का प्लॉट तकरीबन कोई 65-70 लाख रुपए का वहां पे पोजेशन वाला वहां पे भी मिल जाता है कोई, भले वहां की लोकेशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, डेवलपमेंट अच्छी है, DHA की है, ठीक है बस, लेकिन ऑन ग्राउंड में जाऊं तो वहां पे मुझे DHA का फील नहीं आता। इससे नंबर 1 पे मैं इसीलिए IVY ग्रीन को कर, IVY ग्रीन जो है ये नंबर 1 पे है। लेकिन इससे बेहतर कि मेरे घर के बाहर DHA फेज 8 लिखा होगा, ठीक है, अगर मेरे पास करोड़ माइनस भी हुआ तो मैं वाई ब्लॉक में चला जाऊंगा, करोड़ के बजट में मुझे IVY ग्रीन में बहुत अच्छा प्लॉट मिल सकता है। लेकिन IVY ग्रीन तो अंडरस्टूड सी बात है, प्रॉपर फेज है और एक डेवलप फेज है जो कि फ्यूचर में, आज जैसा फेज 6 है, फेज 7 डेवलप एरिया है, फेज 8 है, फ्यूचर का डेवलप फेज जो कमिंग फेज है फेज 8 IVY ग्रीन है। लेकिन जो वाई ब्लॉक का आपकी सेकंड ऑप्शन है, मैं आपकी ओपिनियन की बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ मानना ये कि जो करोड़ पे के अंदर है वाई ब्लॉक अगर ऑप्शन में लेके भी आता है तो वो भी उस ऑप्शन में कंपैरिजन करेगा IVY ग्रीन के साथ ही,
क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो चीज उसको आईवीआई ग्रीन फैसिलिटेट कर रही है वो एक वाइब ब्लॉक स्पेसिफिकली एक वाइब ब्लॉक इसको फैसिलिटेट कर सकता है। दोनों ही पांच मर गए। देखिए करोड़ के बजट में मुझे 10 मरले का प्लॉट तो मिलेगा नहीं, ठीक है। करोड़ के बजट में मुझे 7 मरले का प्लॉट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब 5 मरला मिलना, 5 मरला ऑप्शन 2 अगर मैं विजिट करूंगा, आईवीवाई ग्रीन और वाई ब्लॉक इन दोनों को मैंने विजिट करना, हो सकता है कि मुझे 60 लाख रुपए में भी 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है वाई ब्लॉक में, 40 लाख रुपए रह जाता है, मैं उससे उस प्लॉट नहीं, ये जो आप कह रहे हो मैं नहीं मानता इस बात को, 60 लाख रुपए में 5 मरले का नहीं बन सकता। अरे भाई मैंने अगर कोई लोकेशन पे मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, मैं कहता हूं बाउंड्री पे भी चले जाए, ग्रेवयार्ड पे भी चले, 70 का मिल जाएगा, 75 मिनिमम 70 चले, 75 में यहां पे मिलता है, तो फिर मेरे पास फिर भी दो ऑप्शन हैं। आप आईवीवाई ग्रीन को भी समझ रहे हैं, और ये दो मैं कर रहा हूं। अगर मैं साल वेट में कर लेता हूं, एक साल का मैं वेट कर लेता हूं, मैं नॉन पोजेशन में चला जाऊंगा, 65 और 70 के दरमियान मुझे आईवीवाई ग्रीन में प्लॉट मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे वाई ब्लॉक में मैं थोड़े से लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज करूं तो यहाँ पे भी मिल सकता है। लेकिन आपको लगता है रमन भाई, देखिए 75 मिनिमम ब्रैकेट है और मैक्सिमम को 80, 85, 90 समथिंग इसकी वर्थ है या 5 मरले की, आपको लगता है कि एक बंदा 8 to 9 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करने आ रहा है, तो एक छोटी सी पॉकेट जिसको डीएचए का नाम तो लग गया है लेकिन जब आप फिजिकली विजिट करने जाते हैं तो आपको डीएचए का फील नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि जिसने अगर डीएचए से सेपरेट होके गिरा पे रहना तो फिर इसे बेहतर नहीं कि डीएचए से बाहर जाएंगे। हाँ, मैं इसके ऊपर बताता हूँ। अगर आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, जब फेज 6 का ई एक्सटेंशन लॉन्च हुआ, ठीक है, उसको हम विजिट करने जाते थे बेदिया रोड से होके तकरीबन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे जाके हम फिर जब जाते थे तो वो तीनों चारों साइडों पे हमें गांव नजर आता था। अगर उसको देखें और फिर हम आ जाएं फेज 8 वाई ब्लॉक में, गांव वहां पे भी हमें तीनों तरफ नजर आ रहा है। एक टाइम में टाउन के प्लॉटों को हम किस प्राइस पे बेचते थे, फिर वही जो 6 लाख रुपए वाला प्लॉट था हम लोग कहते थे ये करोड़ प्लस चला जाएगा, डीएचए ने वहां पे डेवलपमेंट की, अंडरपास बनाया, आज वहां का प्लॉट 25, 30, 35 का प्लॉट है। आपने कहा आईवीवाई ग्रीन इज बेटर देन फेज 8 वाई ब्लॉक, ठीक हो गया, ये आप समझते हैं, ठीक हो गया। आप क्या समझते हैं 1 करोड़ में आपके पास क्या होगा? मैं तो 1 करोड़ में अगर आप मेरे सजेशन लेंगे ना तो मेरी तो पहले प्रेफरेंस है फेज 1 की। तो अच्छा प्रिज्म में आप कह रहे हैं 5 मरला भी और लोगों के आगे जो फ्यूचर का इनका जो दी बेस्ट ब्लॉक है वो फेज 9 है, ठीक है। फेज 9 एक कुछ छोटी सी क्यूरिटी का फेज नहीं है, एक बहुत बड़ा फेज है और उस फेज के अंदर 3 टोटल ब्लॉक्स दिए उन्होंने 5 मरला के, ओके। तो इनकी जो वाई ब्लॉक की जिस बात से मैंने रिजेक्ट किया था, इसी तरह प्रिज्म में भी जे ब्लॉक के साथ ही सेम एलिटी इशू है। हां मतलब मैं उसको प्रेफरेंस नहीं दूंगा। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि प्रिज्म में 5 मरला लेना चाहिए तो कहां लें, मेरी प्रेफरेंस होगी आर ब्लॉक, आर ब्लॉक। और अगर आर ब्लॉक में एक बंदा उस चीज को नहीं बेयर कर सकता, दैट इज नॉट ऑब्वियस कि हर बंदे का करोड़ के बजट है, आपके पास 8 मिलियन का बंदा भी आता है, 7.5 मिलियन का भी बंदा आता है, तो एट वर्स्ट आप क्या करेंगे, आप उसको के ब्लॉक की सजेशन दे देंगे। के ब्लॉक मेरी मिनिमम सजेशन होगी प्रिज्म के अंदर। अब प्रिज्म क्यों है, पोजेशन आने वाला है, सून पोजेशन एक्सपेक्टेड है, आर ब्लॉक में इन्होंने अनाउंस कर दिया हुआ है, के ब्लॉक की अनाउंसमेंट हो जानी इसमें, और लोगों के पास अब आगे इसमें फर्दर अपॉर्चुनिटी ये है कि वो एक अच्छे डेवलप फेज में जो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप किया है जिसके अंदर थीम पार्क, डिफरेंट कमर्शियल्स, मेजोरिटी कनालिंग है और गोल्फ कोर्स दे दिया इन्होंने, फिर उसकी अप्रोचेस बहुत ज्यादा अच्छी हैं, तो ये सारी डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से पहली तो प्रायोरिटी मेरी फेज 9 है, ठीक है। उसमें आर ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक इज के, ठीक है। सेकंड क्या, सेकंड ऑप्शन में आपको जो इस बजट में मुझे मुझे जो पर्सनली समझ में आता है नाइन टाउन। अब उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, नाइन टाउन पूरे का पूरा आपकी रेंज में नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल। नाइन टाउन के जो शुरू के ब्लॉक्स हैं वो इस टाइम काफी पीक पर है, और ये बात नहीं है कि उनकी भी पीक का बॉटम है, उनका भी फ्यूचर है, लेकिन अब हमारा टॉपिक इस टाइम करोड़ पे है, तो करोड़ पे से मैं 1.5 करोड़ भी नहीं कर सकते। तो मेरी प्रेफरेंस ये कि आप एटलीस्ट करोड़ के अंदर आप डी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्ट करें,
उसमें आपको दो फायदे हैं। देखें डिफेंस में ये जो छोटी कैटेगरी का ज्यादातर जो इन्वेस्टर के बाहर होता है ना, ये वो नहीं होता कि जिसने पीछे 10-12 करोड़ रखा है, करोड़ की बात की, ये मोस्टली सैलरी पर्सन होंगे, ओवरसीज होंगे और अपनी बड़ी एफर्ट के साथ एक टाइम इन्वेस्ट करके उस पैसे को जोड़ा होगा, तो उनकी कोशिश होगी कि हम इस करोड़ रुपए में अपने दोनों पर्पस फुलफिल करें। पहला पर्पस क्या होगा, यार करोड़ लगा रहा हूँ तो ये करोड़ आज से कुछ साल बाद 1.5 करोड़ हो जाए, और दूसरा पर्पस ये होगा कि आज से 2 साल बाद मैं यहाँ पे घर भी बना लूँ ताकि मैं भी डीएचए में रह लूँ, मैं भी डीएचए में फैसिलिटेटर लूँ, मेरे भी बच्चे यहाँ पे डीएचए में अच्छा लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सके, मैं तो नहीं बेयर कर सकता, मैं तो नहीं फेसिक जा सकता, मैं तो नहीं फेसिक में जा सकता, बिल्कुल ऐसे। तो मैं तो मतलब मैं अब करोड़ के सराउंडिंग में जो लोग बिलोंग करते हैं ना, मैं उनकी मेंटल अप्रोच देख के जो उनकी दी बेस्ट है ना, मैंने वो बात की है कि मैं प्रिज्म और टाउन में डीप लो, ये दोनों फेजेस ऐसे हैं कि उसमें जो छोटा इन्वेस्टर है उसकी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। ओके ठीक है बली भाई, आप बताएंगे आप क्या देखते हैं। अच्छा मेरा आप मैं तो बिल्कुल डिनाई करता हूँ आपकी दोनों की बातों से। पहली मैं आपको बता दूं, मेरा जाती ख्याल है कि 1 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और आप दोनों ने जो सजेस्ट किया है वो 5 मरले की है, जबकि लैंड की वैल्यू होती है, आपको चाहिए कि इसी 1 करोड़ में देखें कि मैक्सिमम लैंड क्या हो सकता है। तो मेरा जाती ख्याल है कि आपको लैंड पे जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए फेज 7 की, 7 मरला की इस वक्त फाइल अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी कीमत इस वक्त अराउंड कोई 85-84 लाख की इस वक्त मिल रही है, तो आपका 2 मरला एक्सेस हो जाता है। और एक तो ये है, नंबर सेकंड अगेन मैं फिर आऊंगा प्रिज्म के ऊपर, और प्रिज्म में आपको 10 मरले की फाइल लेनी चाहिए, लैंड ज्यादा हुआ है, आप 5 मरले को कह रहे हैं और ये 10 मरले। बात आपकी करता हूं, मेरे पास करोड़ रुपए है और मैं 1 साल के अंदर अंदर घर बनाना चाह रहा हूँ, क्या फाइल के ऊपर 7 मरले के ऊपर मैं 1 साल में घर बना लूंगा? अच्छा मैं आपको घर, हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, हाँ हमने इन्वेस्टमेंट के लिए हमने घर भी बनाना, ठीक है पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, हम 1 साल की इन्वेस्टमेंट, नहीं नहीं एक चीज ये नहीं कह रहे हैं, हमने भी मेरी बात सुना। देखिये एक चीज हमारे मेरे माइंड में और हम सबके माइंड में होनी चाहिए कि अगर मेरे पास करोड़ रुपए सिर्फ है ना और मेरे पास घर नहीं है, तो सबसे पहले मैं घर के बारे में सोचूंगा, मैं जॉब करता हूँ। इसको इस तरह कह सकते हैं, इसको इस तरह कर लें, इस तरह कह सकते हैं कि ये ऑप्शन है लेकिन कम मेजोरिटी के लोगों को, हाँ हर ये इन्वेस्टर के लिए है, जो ओवरसीज क्लाइंट है वो तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है फाइल्स में, जो यहाँ पे हम पाकिस्तानी रह रहे हैं, मेरे पास 1.5 करोड़ है टोटल, मैंने बजट रखा है 1 करोड़ का मैंने प्लॉट के लिए, तो मैं क्या फाइल लेके और मैं बैठ के सोचूंगा कि यार इसकी कब डेवलपमेंट होगी और कब होगा, इसका मतलब है मेरे बच्चे 10 साल के बाद जब बड़े हो जाएंगे फिर वो घर बनाएंगे। अली भाई की दोनों ऑप्शन से फाइल ऑप्शन आपकी ठीक थी, ओपिनियन आपका बहुत ठीक था, ऐसी बात नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट में ये भी आपका ऑप्शन है, हमने देखना कि इधर इन्वेस्टर आता कौन सा है, हमने ये देखना है कि कस्टमर की आसानी क्या है, कस्टमर एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, फेज 7 की 7 मरला की फाइल लेगी कितना ऐसा वेट करेगा तो वैलिड होगा, मैं यही आपको सारा कुछ बताने लगा हूं, आप पहले पूरे पूरा जो तो सुने तो आप, जी मैं आपको सारे से प्रोस्पेक्टस बताने लगा हूं। सबसे पहले मैं तो प्रेफर करूंगा लैंड को, मैं नहीं प्रेफर करूंगा कि मैंने 1 करोड़ में पोजीशन, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मुझे इन्वेस्टमेंट बड़े प्लॉट की चाहिए, छोटे प्लॉट के नहीं। अगर मेरा 1 करोड़ के बजट के अंदर ही मुझे बड़ा प्लॉट मिल रहा है तो मैं गो फॉर इट, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं 5 मरले में जाऊं, मुझे जबकि 85 लाख रुपए की 7 मरले की फाइल मिलती है और 10 मरले की फाइल मिलती है प्रिज्म के अंदर तकरीबन 81-82 लाख, तो मैं तो 100% कहूंगा कि ये 10 मरला बेहतर है 5 मरले के प्लॉट से जो प्रिज्म के अंदर है। अब मुझे करनी है इन्वेस्टमेंट, ठीक है 1 साल की इन्वेस्टमेंट का मैं बताता हूं, बल्कि मैं अपने ऑडियंस को भी बताता हूं कि 1 साल में अगर आप फेज 9 प्रिज्म की प्रॉपर्टी बाय करते हैं, फाइल बाय करते हैं जो कि 81 लाख रुपए की है, 1 साल के बाद मेरा ये जाती ख्याल है कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हो जाएगी, ठीक है। अभी मेरी बात कंप्लीट हो गई,
अब मैं फेज 7 की फाइल की बात कर रहा हूं। फेज 7 की इस वक्त 85 लाख रुपए की 7 मरले की फाइल है, 1 साल के बाद ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हो जाएगी। मैं समझता हूं ये दोनों इन्वेस्टमेंट बेहतर है। अगर इनमें से बेहतर इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना चाहते हैं, दोनों में से एक अगर मैं चूज करता हूं, अब मेरे पास करोड़ है क्योंकि मैं दोनों तो नहीं कर सकता, एक ही करना है, तो फिर भी मैं प्रिज्म को प्रेफर करूंगा। उसकी रीजन ये है कि प्रिज्म एक बड़ा फेज है, वाइड फेज है, जैसे आपने कहा बिल्कुल, उसकी अप्रोच ज्यादा है, इम्यूनिटी ज्यादा है, एक्सेस ज्यादा है, सारा कुछ बेहतर है उसका। और फिर दूसरी बात जो मैं अपने शुरू में कह रहा, लैंड उसका ज्यादा है। मैं 10 मरले इनका मोटिव ये कि उन्हीं पैसों में लैंड ज्यादा ले लो। लैंड मैं बात ये है अली भाई, अगर हम आज से पीछे चले जाए 15 साल पीछे या हम 17 साल पीछे, हमने वो हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस जरूर करनी है ये फाइलों के लिए, उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो आजकल टाइम चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई जा रही है, क्या आपकी ये प्राइस आप गारंटी मुझे दे सकते हैं? मैं करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपके कहने पे मैं कर रहा हूँ फाइल में, फेज 7 की या फेज 9 प्रिज्म की, मैं फाइल आपके कहने पे 7 मरले की ले लेता हूँ, 85 की 87 की जितने की भी आप कहते हैं मैं ले लेता हूँ, क्या रेट 85 पे रहेगा? 100% रहेगा, ये रेट नीचे नहीं आने लगा। कैसे? रेट की मैं आपको उसकी वजह रीजन में आपको बता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सप्लाई, और मैं ये समझता हूं कि ये जो इन्होंने बात किया कि ये नीचे नहीं आया, सप्लाई की बात है, हमने आम पढ़े लिखी बात है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, पीछे से सप्लाई है ही नहीं फेज 7 की 7 मरला की फाइल की, बंद हो गई है, यही हाल प्रिज्म का है, 10 मरला की फाइल इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जितने लैंड था वो देखिए फाइल है आपके मार्केट में आ गई, अब जो फाइल वो कंज्यूमर बेच कंज्यूमर की कंट्रोल में चली गई, एग्जैक्टली पीछे से नहीं, अब हमने ये देखा मार्केट में चीजें आ रही, तो ये ऑब्वियसली इसकी, अब मुझे ये बताएं 7 में, तो 7 में आपने 7 मरले की प्रेफरेंस दी, 7 में इसने 7 मरला प्लॉट इधर यूज, मैं यही बात करने लगा, वहां पे 5 मरले का इस वक्त प्लॉट जो इस वक्त अवेलेबल है, जो कि पोजेशन प्लॉट, 1 करोड़ 40-45 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है, और आप आ जाए प्रिज्म के अंदर, वहां पे 10 मरले के प्लॉट की क्या कीमत है? 1.5 करोड़ रुपए। अच्छा, कितना अच्छा, बड़ा ये ऊपर मुझे ये भी बताइएगा, 5 मरले की जो फाइल अभी फेज 7 की बिक रही है और 7 मरले की फाइल भी जो आ रही है, इसकी लोकेशन कहाँ है? ये फाइलों में तो कभी भी लोकेशन नहीं एक्सप्लेन होती, देखिए फिर आप उस 1.40 वाले प्लॉट को फाइल के साथ कंपेयर ना करें, 1.40 वाले आप एक पंद्रह से 1.40 तक का प्लॉट है, सिंपल, तो ये फाइल की लोकेशन मुझे पता हो तो फिर तो मैं ले लूंगा। नहीं देखिए फाइल, अगर मैं कहूँ कि देखिए हम लोग फाइल बेच रहे करबाट की, कभी भी ऐसा नहीं होता, जिस मोजे की फाइल हो उसी जगह लगती है, आपको भी सर मुझे फिर फेज 7 की वो लोकेशन इतनी दिखाएं कि आपको ओपन लैंड फेज 7 में नजर आ रही हो, और आप किसी को कह सकते हैं कि जी ये वाली लैंड है, यहाँ पे आपकी 7 मरला या यहाँ पे आपकी 5 मरला आ सकती है। ये जो डीएचए के काम है ना, वो डीएचए पे छोड़ नहीं कर सकते, हमारा काम ये नहीं है लोगों को ये बताएं कि मैंने भी नहीं, अगर मैं करोड़ रुपए लगा रहा हूँ ना, मैंने करोड़ इकट्ठा करके और मैं आपके ऑफिस आया हूँ, आपके पास बैठ के मैं कह रहा हूँ अभी ये करोड़ रुपए मेरे पास सिर्फ है, आप मुझे फाइल में चले लेके जा रहे हैं, मैं 1 साल के लिए आपके कहने पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप किस किस पॉइंट को मेरे साथ डिस्कस करेंगे कि मेरी साल तक इन्वेस्टमेंट मेरी डूबे ना, मुझे लॉस ना हो, क्योंकि मेरे पास कई क्लाइंट ऐसे आते हैं, मैं अगर पीछे हिस्ट्री देखूंगा, देखिए मैं हमेशा किसी काम के लिए, एक सेकंड, मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूँ ना, मैं उस प्रोजेक्ट की पहले हिस्ट्री देखता हूँ कि ये कब से लॉन्च हुआ है, इसका आप बात सारी ठीक है, आप दोनों का मौका हो गया ठीक है, लेकिन उसको गलत जगह पे बोल कर गया, नहीं मेरी सुन ले सर, मैं थोड़ी सी आपको इस चीज को क्लियर कर दूंगा अभी, इसमें आपको भी लगेगा आप भी ठीक बात करें, आप भी ठीक बात कर रहे हैं। प्रिज्म में इन्होंने बताया कि अभी 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है, वो 1.5 करोड़ आते साथ में हुआ था, आई वो भी फाइल, आज फेस टाइम की फाइल 125
130 के बिटकॉइन फ्लोट कर रही है, लोकेशन उसकी नहीं पता। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता वो फाइल का प्रोफाइल क्या है। अब मकसद क्या है, पहली चीज देखिए जी, हमारा तो ट्रस्ट डीएच है, बस वी नो डीएच है यार। डीएच इज द बिगेस्ट सिंबल और डीएच इज द मोस्ट ट्रस्टेड नेम कि जिसके अंदर मेरी तो ये मुझे इस चीज का तो 1% इशू नहीं होगा, फाइल कहां लगती कहीं लगती। आई नो डीएच इसको हैंडल करता है अपने बेस्ट वे से। हाँ, अब आपकी बात और मेरी बात से फर्क पता क्या है, हमारा ओपिनियन पे जो जो कस्टमर स्टैंड लेता है ना वो डिफरेंट। एग्जैक्टली आपका जो फाइल का इन्वेस्टर है ना, ही नो मैंने रिस्क भी लेना है, मैंने ये भी सोच के लेनी है कि अगर आज जो मैं 80 लाख रुपए लगा रहा हूँ ना, तो मुझे अगर साल में भी कुछ ना मिले तो दैट इज फाइन, मैं 2 साल वेट कर लूंगा। समझ, इसमें विन विन सिचुएशन इस तरह नहीं आ सकती कि जी आप कहें कि जी साल में आपको मैं अचीवमेंट दे दूंगा। हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह बाय द टाइम डीएचए इसकी लोकेशन की तरफ या इसकी बैलेटिंग अनाउंसमेंट की तरफ जाता रहेगा, तो हमें बैलेटिंग से पहले पहले भी एक अच्छा जॉब मिल सकता है। जो लोगों का फियर है कि हम बैलेट में नहीं जाना चाहते, मेरा अब्रॉड बुरा निकला है, आप ना बैलेट में जाए। बिल्कुल, तो देखें ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, उसमें ओपिनियन किसी का गलत नहीं है। सिर्फ बात यह कि हमने सारी बात कर दी, अभी हमारी सारी सजेशन या हमारी ओपिनियन का फायदा क्या है जो हमें देखना है। अच्छा, मैं आप इसको देखने वाले ऐसे हैं जो फाइल इन्वेस्टमेंट को जानते हैं और बैलेट से पहले इसको जानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बैलेट के बाद जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो फाइल लेना ही नहीं चाहते, कुछ लेना ही नहीं चाहते। उनका वो कहते हैं हमने लेनी नहीं, क्यों उनको देखिए फाइल समझ ही नहीं। हम तो 3 लोग हैं देखने वाले, हजारों हैं, वो जो 1000 लोग है ना वो सब मुख्तलिफ सोच के सामने बैठे, तो हमने वो बात कर दी जो सबके लिए जो समझ आती है वो अपनी जगह अपनी हमें सुनेंगे, मेरी चीज लगती है वो मुझे सुन लेंगे, आपकी लगती है आपको सुन लेंगे, बिल्कुल आपको सुन लेंगे। तो मैंने प्रेफरेंस ज्यादा वो दी थी, मैंने दी थी कि अभी की जो मार्केट है ना, अभी राइट नाउ देखें रियल स्टेट के भी इतने हालात उस लेवल पे नहीं है कि जिसमें हम कहें कि जी मार्केट ओवरऑल कैसी ग्रो कर रही है और बहुत बेहतर डायरेक्शन में जा रही है। इसमें हमने लोगों के साथ इस मामले में रियलिस्टिक रहना है कि मार्केट अभी अनस्टेबल है। अनस्टेबिलिटी में देखिए, मैं मेरा तो बिलीव है आप लोगों का तजर्बा मेरे से ज्यादा है, या मैंने लोगों को पता चलूं कि आप दोनों का तजर्बा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।